सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के सुसाइड केस आपस में जुड़े हैं या नहीं, इस बहस के बीच अब एक न्यूज चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के बीच की व्हाट्सएप चैट प्रकाशित की है। इस चैट में सुशांत और दिशा के बीच केवल काम की बात हो रही है। गौरतलब है कि दिशा ने सुशांत के लिए ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने काम पर रिया चक्रवर्ती ने ही रखा था, क्योंकि रेहा के सुशांत के सारे काम का ख्याल रख रही थी। वहीं दिशा सालियान की मां का भी कहना है कि दिशा और सुशांत से काम के सिलसिले में केवल एक बार मिली थी, लेकिन इस चैट से ये साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत रेहा चक्रवर्ती के साथ काम करने को तैयार नहीं थे, ना ही पसंद करते थे। वहीं आपको बता दें, अपनी FIR में सुशांत के पिता ने लिखवाया कि रिया सुशांत के काम को प्रभावित कर रही थी, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट सुशांत के साथ ही करना चाहती थी। आइए डालते हैं नजर सुशांत और दिशा की चैट पर। 1 अप्रैल को सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के बीच एक तेल के ब्रांड के प्रमोशन को लेकर बात हुई। दिशा ने सुशांत को कहा, खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर की डील है। डील 1 साल की है, 1 दिन का शूट करना है और आधे दिन की टीवी रिकॉर्डिंग। आगे की डील कुछ इस तरह थी, साल में त्योहारों के दौरान अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 3 पोस्ट करने होंगे। दिशा ने सुशांत से पूछा कि इस डील के लिए कितने पैसे बोले, फिर दिशा ने खुद ही कहा कि मैं 60 लाख रुपए बता रही हूँ, आप अपनी सलाह दे दीजिए। सुशांत ने दिशा से पूछा था कि ब्रांड का नाम क्या है। दिशा ने बताया, ब्रांड का नाम वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, पूरी बातें तय होने के बाद शायद आगे बताएं। वहीं आपको बता दें, 7 अप्रैल को दिशा और सुशांत की फिर चैट हुई। दिशा ने सुशांत को कहा कि पबजी एक डिजिटल कैंपेन करना चाहता है और कहना चाहता है कि आप घर पर पबजी खेलिए, सुरक्षित रहिए, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करना होगा। दिशा ने आगे लिखा कि अगर आपकी दिलचस्पी है तो बताइए, अगर आपको सही लगेगा तो मैं वीडियो की स्क्रिप्ट मांग लूंगी। सुशांत ने वीडियो की स्क्रिप्ट मांगने को कहा और दिशा ने जवाब में कहा थैंक यू कहा और बताया कि पबजी की स्क्रिप्ट मांग रही है। वहीं फिर 10 अप्रैल को सुशांत और दिशा की पबजी डील के बारे में आगे बात हुई। उन्होंने लिखा, हाय सुशांत, पबजी ने कंफर्म कर दिया है, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करने के 12 लाख और साथ में टैक्स के लिए मान गए हैं, वो अगले हफ्ते वीडियो की स्क्रिप्ट शेयर कर देंगे, मैं बाकी का अपडेट देती रहूंगी। फिर 11 अप्रैल को सुशांत ने दिशा के इस बात का जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, स्क्रिप्ट आने दो, फिर देखते हैं। 12 अप्रैल को दिशा और सुशांत के बीच डिज्नी हॉटस्टार पर आने वाले कार्यक्रम सिम्पसंस को लेकर एक बात हुई। सिम्पसंस सेलिब्रिटी के कार्टून सिम्पसंस की तरह बनाकर उन्हें सितारों के सोशल मीडिया पर प्रमोट करवा रहा था। इसमें सितारों के परिवार भी शामिल हो रहे थे। ये प्रमोशन अपने परिवार के साथ करना होगा। प्रमोशन 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा। दिशा ने फिर सुशांत को बताया कि सिम्पसंस वाले जवाब मांग रहे हैं और आपको रिया को साथ मिलकर प्रमोशन करना होगा। आप बता दीजिए कि डील कितने की करूं, आपके जवाब का इंतजार है। सुशांत ने दिशा को इस डील के लिए साफ मना कर दिया और लिखा कि मैं इस डील में दिलचस्पी नहीं रखता। तो क्या सुशांत ने ये डील रिया के कारण मना की थी? अब फिलहाल इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये माना जा सकता है कि सुशांत और दिशा के बीच केवल काम को लेकर ही बात हुई थी और इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ रिपोर्ट्स।